हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज है 17 फरवरी और आज आखिर वो दिन आ गया कि हम घूमने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से जाएं ना जाएं चल रहा था, तो आज हमने फाइनली जाने का तय किया है। और सुबह के बज चुके हैं 7, हम सोच रहे थे कि 7 बजे तक हम निकल जाएंगे, लेकिन देखिए अभी भी कोई तैयारियाँ पूरी नहीं हुई हैं। राधा रास्ते के लिए चाय बना रही है और नाश्ते के लिए ओट्स, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में यही लूंगा। यशवर्धन अभी बाथरूम में है, तैयारियां बिल्कुल पूरी नहीं हुई हैं, पता नहीं कितने बजे निकल सकेंगे। चलिए आपको थोड़ी सी तैयारियां दिखाते हैं। ये खाने का टिफिन है हमारा, रास्ते के लिए सब्जी, नाश्ते के लिए ओट्स और ये चाय रास्ते के लिए। ये दुनिया भर का सामान हमने पैक कर लिया, यहाँ तक कि प्रेस भी। दूसरे रूम में चलें तो ये राधा के लिए अभी पानी गर्म है, नहाना बाकी है। ये सारा सामान हमने पैक किया है, देखिए पानी भी क्योंकि साथ में लेके चलेंगे, पानी काफ़ी पीना है मुझे। यशवर्धन का बैग, राधा का बैग और मेरा बैग तो ये छोटू सा है। इसके पास पूरी फुर्सत है, देखिए कितने रिलैक्स हो गए, ये अपना मस्त है, तैयार तो हो गया लेकिन वीडियो देखने में लगा हुआ है। चलते हैं उसमें सामान रखने के लिए। यशवर्धन आओ बेटे, तो सबसे पहले हम देखो इसको बिछाएंगे नीचे, आज आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाएंगे। और ये रजाई और कंबल भी जाएंगे। चल बेटा ये पकड़ और बैग्स ले लेता हूँ मैं। तो ये देखिए मैं और यशवर्धन दोनों कुली की तरह चल पड़े हैं। मैं तो दरवाजे के अंदर फंस गया, पूरा मेरे पास बैग्स हैं। अब गाड़ी में सामान सेट करते हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम यह चादर बिछाएंगे और उसके बाद सीट्स के पीछे अपने सारे बैग सेट करेंगे। वैसे हमारे पास डिक्की भी है, लेकिन डिक्की नहीं, हम यहाँ पर बैग क्यों रख रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सारे बैग्स यहाँ जमाने के बाद इसके ऊपर हम गद्दा बिछाने वाले हैं। अब इसके ऊपर हम ये गद्दा बिछा देंगे और ये यशवर्धन एकदम खुश। ये देखिए कोल्ड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा दबा हुआ लग रहा है। अभी देखते हैं, इसके ऊपर हम ये कंबल, एकदम कोजी कोजी सा बन जाएगा। देखिए ये हो गई, अब यहाँ पर एक तकिया आ जाएगा और ये बन गया हमारी ऑल्टो K10 की बैक सीट पर एक नरम मुलायम बिस्तर। यशवर्धन तो इसमें फुल मस्ती करके जाने वाला है, देखिए कितना अच्छा स्पेस मिल गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके लिए परफेक्ट बिस्तर बन गया है, यहाँ देखिए। हेलो। गाड़ी में बैठते बैठते 9 बज चुके हैं और ये देखिए ये फुल मस्ती के मूड में है, बैठते ही इसने मस्ती करना शुरू कर दिया है, नाश्ता भी इसका गाड़ी में ही हो रहा है। तो दोस्तों देखिए 9:11 हो चुके हैं और मैप हमने अपना लगा लिया है, ये दिखा रहा है 4 घंटे 55 मिनट, यानी करीब 2 बजे हम पहुंच जाएंगे। पूरी पैकिंग कर ली है मैंने, अपनी बुक भी रख ली है यहाँ पर क्योंकि बुक रीडिंग भी ज़रूरी है। और हम पूरी तरह सेट हैं, पूरा पैक हैं, देखिए नीचे तक, नीचे पैरों में भी सामान है, पीछे इसका बिस्तर सबसे बढ़िया है। हेलो, ये सबसे ज़्यादा मस्त है, पीछे इसके पास बॉल भी है, खेलता हो जाएगा और पीछे डिक्की में भी पूरा फुल है। तो अब निकलते हैं। Thank you.
दोस्तों दिल्ली की इस भीड़ भाड़ से दूर जाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ। इस बार वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, हमें अपनी ऑल्टो लियो भी कुछ महीने बीत गए हैं, लेकिन ये पहला सफ़र है जब हम इतनी दूर इस पर जा रहे हैं। तो आज हम इसमें करीब 250 किलोमीटर का सफ़र करने वाले हैं और इस दौरान हम अपनी माइलेज भी चेक करेंगे कि वाकई में ये क्या माइलेज देती है। वैसे माइलेज का हमने एक छोटा सा टेस्ट इसका लिया था जिसमें इसने 30-31 की माइलेज तो हमें दी थी। आज जब हम इसे 300 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे तो एक्चुअल माइलेज हमें नज़र आएगी कि क्या आती है। तो ये हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल यहीं से लेकर चलते हैं, रास्ते में कहाँ ढूंढते फिरेंगे। भैया टैंक फुल कर दो। दोस्तों अभी इसमें करीब 500 रुपये का पेट्रोल है, मैंने 2 दिन पहले 1000 रुपये का पेट्रोल लिया था, उसमें मैं हापुड़ तक घूम कर आया, तो 500 रुपये तक का तो इसमें है अभी। अब देखते हैं कि टैंक फुल में और कितना पेट्रोल इसमें आएगा। दोस्तों हमने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया और पेमेंट हुई है ये 1796 रुपये, 1799 रुपये 96 पैसे। तो अभी टैंक फुल पे ये 491 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है कि इतने पेट्रोल में इतनी चली जाएगी, और हमने देखिए माइलेज भी यहाँ ज़ीरो कर दिया है, तो आज माइलेज भी चेक करेंगे, मज़ा आने वाला है। टैंक पूरा फुल है, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेट्रोल हमने डलवाया है। टैंक फुल मैंने पहली बार ही कराया है और घर से निकलते निकलते हमने देखिए 9:30 कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोड पर ट्रैफिक भी है, यहीं से दिखना शुरू हो गया है ट्रैफिक, क्योंकि लेट हो गए इसलिए ट्रैफिक दिख रहा है। खैर ये तो रेड लाइट है, ट्रैफिक नहीं है, पर हाँ माइल्ड ट्रैफिक तो मिलने वाला है रोड पर। दोस्तों लेट होने की वजह से हमें घर से निकलते ही देखे कितना जाम मिल गया है, और ये जाम हमें कहाँ तक मिलेगा ये पता नहीं, और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का है कि गाज़ीपुर पे क्या होने वाला है, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट चल रहा है और वो बॉर्डर है, वहाँ पर हो सकता है कि पूरा ये जाम मिले। चलकर देखते हैं गाज़ीपुर का क्या हाल है। वैसे आज सैटरडे होने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ चल रहा है देखिए, पर कहीं कहीं पर ट्रैफिक कंजेशन मिल जाता है। अभी जैसे हमें पीछे आश्रम पर काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था, आगे काले खां आने वाला है, वहाँ देखते हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। और ये देखिए काले खां पर फिर से ट्रैफिक कंजेशन है, लेकिन ये कहीं कहीं पर ही मिल रहा है हमें, ज़्यादा ट्रैफिक कहीं मिल नहीं रहा है। पर मुझे गाज़ीपुर की चिंता ज़रूर है कि गाज़ीपुर में क्या होने वाला है। और दोस्तों ये सामने आ गया मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इस पर चढ़ने के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर गाज़ीपुर में अगर हम आराम से निकल सके तो उसके बाद तो फिर स्मूथ ट्रैफिक ही होने वाला है। तो ये हम मेरठ एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गाज़ीपुर है, वहाँ चलकर देखते हैं क्या हालात हैं। घर से निकले हुए हमें करीब 20 मिनट हो चुके हैं और हमने अब तक सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है क्योंकि ट्रैफिक था, पर हमारी एवरेज माइलेज जो इस वक्त आ रही है 32.5 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखिए रोड काफ़ी स्मूथ हो गया है, पूरा खाली है क्योंकि हम मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं। धूप खिली हुई है, आज उतना अच्छा मौसम नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और देखिए ये पीछे सो गया है, इसको अच्छा बिस्तर मिल गया है पीछे बैक सीट पर, तो ये तो अपना कंबल ओढ़कर सो गया है क्योंकि सुबह में इसे जल्दी उठा कर ले आए थे, तो ये यहाँ अपनी नींद पूरी करने वाला है। और ट्रैफिक कम होने की वजह से देखिए अब गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है और इस वक्त माइलेज आ रही है 33 किलोमीटर पर लीटर, जो हमने पहली बार देखी है। 32 तक तो मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन इतनी अच्छी माइलेज हमने पहली बार देखी है। एवरेज स्पीड हम 80 के अंडर में ही रख रहे हैं, 77, 78, 80 के आसपास ही रख रहे हैं, तभी इतनी अच्छी माइलेज आ रही है। अगर मैं 80 से ऊपर भगाऊंगा तो माइलेज वाकई में गिर जाएगी। और दोस्तों ये अभी हम गाज़ीपुर क्रॉस कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे अभी इस तरफ, तो वापस आते हुए क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन अभी हम बड़े आराम से स्मूथली यहाँ से निकल पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हमें चलते हुए करीब 1 घंटा हो गया है, भूख भी लगने लगी है, तो पहले डिक्की में से खाना निकाल लेते हैं। खाना ले आया हूँ, ये पूरा बैग खाने से भरा हुआ है जिसमें हमने जो कुछ भी है वो रखा हुआ है। और यशवर्धन बट उठो बेटे, ये तो पूरा सोया पड़ा है, देखो इसको होश ही नहीं है। अरे ये कैसे सो गया,
उसके मुंह पे भी धूप आ रही है, इसको गर्मी लगी अपने आप ही। चलो हम तो खाना खाते हैं, सर सोने देते हैं। निकालो खाना। खाने में है रोटियां जो राधा ने सुबह बना ली थी, और सब्जी क्या है दिखाओ। एक आलू मटर की सब्जी। सफर में इसी खाने का मजा है। तो हम तो शुरू करते हैं, यशोवर हमको सोने ही देते हैं। इसमें चाय भी है जो मैं तो खाऊंगा नहीं, बिस्किट है, मूंगफली है, और जाने क्या क्या ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं, याद राधा घर से चाय लाई है तो ये पी रही है, और यश भी उठ गया है। देखिए ये भी पीछे मजे में अपने बिस्तर पे बैठकर चाय पी रहा है। मैंने तो चाय पीनी नहीं है इसलिए मैं बाहर टहल रहा हूँ। बिल्कुल हाईवे के किनारे है, और ये हमारी ऑल्टो छोटी सी गाड़ी, फुल मजे है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये पीते रहेंगे चाय। मैं तो चलूं, इसमें मेरे लिए है ग्रेप्स, मैं ग्रेप्स खाऊंगा। अब दोस्तों हम गढ़ मुक्तेश्वर के आसपास हैं, करीब 2 घंटे हो गए हमें चले हुए। माइलेज अभी भी बढ़िया आ रही है, देखिए 32.4, वाकई में बढ़िया माइलेज है। और रेंज भी देखिए 510 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी अभी अब हमारी गाड़ी इस पेट्रोल में 510 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि पहले जब हमने टैंक फिल किया था तो 490 के आसपास थी। इतनी दूर आने के बाद भी ये 510 किलोमीटर और जाने लायक है, क्योंकि हमने एवरेज स्पीड वही रखी है 80 के आसपास ही। इस वजह से माइलेज लगातार बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है इसी पेट्रोल में हम वापस भी आ जाएंगे। वहाँ घूमने फिरने के बाद भी हमें पेट्रोल दोबारा डलवाना नहीं पड़ेगा, और इसी टैंक फुल में हम वापस आ जाएंगे। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं गढ़ मुक्तेश्वर के टोल प्लाज़ा पर। यहाँ पर टोल रेट्स हैं 105 रुपये, काफ़ी ज़्यादा टोल है। अभी हम पीछे ही हापुड़ में टोल देकर आए हैं 165 रुपीज़, तो टोल तो देखिए लगने वाला है, क्योंकि रोड है अच्छा तो टोल भी देना पड़ेगा अच्छा। यहाँ ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेन में हम जाते हैं ना, वहाँ कोई ना कोई गाड़ी अटक ही जाती है। आज हमारी लेन में भी कोई गाड़ी अटक ना जाए। चलो इस लेन में चलते हैं, खाली दिख रही है। और ये आज हम पहली बार शायद बिना अटके निकल गए हैं। देखिए हमारे आगे वाली गाड़ी इजीली चली गई, अब हम भी चलते हैं। ग्रीन लाइट हो जा। और सामने देखिए आसमान कितना साफ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेगिस्तान में हैं, और रेत के जो लेयर्स बनी होती हैं आसमान में बिल्कुल वैसे ही लेयर्स दिख रही हैं। बड़ा साफ आसमान है, लेकिन मौसम गर्म है आज, हमें लगता है एसी चलाना पड़ेगा। फाइनली हमारा भी एसी ऑन हो गया आज गाड़ी का। स्कूल भी छुट्टी हुई है यहाँ, कितनी भीड़ है देखो। नहीं तो कुछ हो गया है यहाँ, देखो बाइक यहाँ, देखो यहाँ पे वीडियो बना रहे लोग। यहाँ तो किसी स्कूल का पेपर वेपर होगा। हाँ यहाँ पे गाइस बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है, इसलिए सब बहुत ज्यादा गुस्से में है। गाइस मुझे ये जगह तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन काफी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पर, और हमें बहुत रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। दोस्तों फाइनली हम शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर देखिए कहाँ पहुँच गए हैं, एकदम ग्रीन एरिया है, इसे कहते हैं लश ग्रीन एरिया। ये जो आपको ग्रीन चादर दिख रही है, ग्रीन चादर ये है गेहूं के खेत, जो कि बिल्कुल हरे भरे हैं। लेकिन पेड़ों पर आपको पत्ते नज़र नहीं आ रहे होंगे, पूरे पेड़ सूखे हुए हैं, क्योंकि अभी इतना स्ट्रॉन्ग विंटर सीज़न बीता है, तो जिसकी वजह से सारे पत्ते झड़ गए हैं। अब स्प्रिंग आया है, नए पत्ते आएंगे, कुछ दिन बाद अगर हम यहाँ आते तो पूरा ग्रीन दिखता, पेड़ों पर कहीं पत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ देखिए रोड भी बिल्कुल खाली है, यही मज़ा है शहर से बाहर रहने का। दोस्तों ये सामने रामनगर का टर्न आ गया है, बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो रामनगर है, लेकिन इस बार हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं लेंगे,
इस बार हम स्ट्रेट जाएंगे। पिछले 2 बार से हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत जाम मिलता है। लास्ट टाइम हम अपने वैगनार से यहाँ आए थे, उसमें बहुत जाम मिला था उस टाइम। तब हमें किसी ने बताया था कि अगर आप स्ट्रेट आएंगे तो बहुत अच्छा रूट मिलता है जो रामनगर पहुँचता है। तो इस बार सीधा चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट नहीं लेंगे, और देखते हैं वो बढ़िया वाला रूट कैसा है। होपफुली अच्छा होगा। ये क्या रूट है, ये तो लगता है हम किसी गांव में आ गए हैं। रोड पूरा टूटा हुआ है और कोई गाड़ी भी यहाँ नहीं चल रही है, लगता है हम कहीं गलत आ गए हैं। एक्चुअली हमने किसी से पूछा नहीं है आज, पहले हमें किसी ने सजेस्ट किया था सीधा आना, और हम उस टर्न को इग्नोर करके सीधा आ गए हैं। गूगल मैप हमें देखिए कहाँ ले आया है, ये तो लगता है हम कहीं गलत फंस गए हैं। लेकिन मैप अभी भी सीधा चलने के लिए कह रहा है, एक गाड़ी तो सामने से आती हुई दिखी, तो चलिए मैप के हिसाब से ही चलते हैं। पर मुझे अब डाउट लग रहा है दोस्तों, ये रोड ज़रूर ख़राब है, लेकिन साइड में देखिए कितना अच्छा व्यू है। शायद इसी व्यू के लिए तो हम यहाँ आए हैं, तो चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक रोड आगे ठीक ठाक है तो धीरे धीरे चलते हैं। वैसे स्पीड बहुत कम है अभी, और इस वजह से हमारी माइलेज तो बहुत ड्रॉप होने वाली है। आगे बढ़ने पर हमें यह गांव का तालाब नजर आया। ऐसा लगता है हम बिल्कुल बीहड़ गांव में आ चुके हैं इस वक्त। चारों तरफ ग्रीन पेड़, खेत और यह तालाब। घर भी गांव के नजर नहीं आ रहे हैं, टूटा फूटा रोड है। धीरे धीरे चल रहे हैं, एक तालाब और आ गया। तो इसी तरह बस मैप कह रहा है कि चलते रहें, तो हम चले जा रहे हैं। राइट साइड में भी एक तालाब है, यहाँ फिशिंग की जाती है शायद, क्योंकि मुस्लिम गांव है, फिश मार्केट होगी आसपास, तो उसके लिए फिशिंग की जाती है। दोस्तों कभी कभी गूगल मैप्स ऐसी जगह फंसा देता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। अब देखिए ये हमें कहाँ जंगल जैसे गांव में लेकर आ गया है। खैर काफ़ी देर के बाद हम यहाँ मेन रोड पर पहुँच गए हैं, लेकिन हमें काफ़ी लंबा टर्न लेना पड़ा, और इसकी वजह से हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो भी काफ़ी बढ़ गया होगा। आगे ये बाजपुर का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये तो शायद उसी रोड पर ले आया जहाँ से हमने अवॉइड किया था, जो लेफ़्ट टर्न हम लेना नहीं चाहते थे उसी रोड पर ये हमें घुमा फिरा कर वापस ले आया है। तो देखते हैं अब कितने किलोमीटर कवर करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। मम्मी अब पीछे चली गई हैं। मैं अब आगे आ चुका हूँ, पापा अभी भी गाड़ी चला रहे हैं। अभी भी हमें 52 मिनट्स और लगेंगे। 43 किलोमीटर बचा है, टाइम हो गया 2:30। बीच में हम गलत जगह चले गए थे, थोड़ा सा गलत रूट ले लिया था, इस वजह से टाइम ज्यादा लग गया, वरना अब तक तो हम पहुंच ही जाते शायद। और बाहर देखो कितना अच्छा नजारा है, पेड़ यहाँ के अभी सूखे हुए पता नहीं क्यों है, पतझड़ का मौसम है क्या। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है उत्तराखंड की ब्यूटी। देखिए कितना खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ जंगल और बीच में जाता हुआ ये शानदार रोड, इस पर गाड़ियाँ भी बहुत कम है अभी, क्योंकि सैटरडे है तो कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि वीकेंड पर लोग आ जाते हैं, अदरवाइज खाली ही मिलता है। और दोस्तों अब हम अपने डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने ही वाले हैं। 400 मीटर के बाद राइट टर्न लेना है और हम पहुंच जाएंगे। यशवर्धन को थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे भी हो रही है वैसे तो, क्योंकि इस रिजॉर्ट में हम पहली बार जा रहे हैं, जाने कैसा होगा, चलिए चलकर देखते हैं। 160 मीटर, डर को लग रहा है, पता नहीं कैसी जगह है। 120 मीटर, 90 मीटर, 70, यहाँ से उड़ना अंदर नहीं फंसेंगे क्यों। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है ग्रेट टाइगर रिजॉर्ट, इसी रिजॉर्ट में हमें जाना है। यहाँ से राइट टर्न लेते हैं
और ये सामने तो कोई गांव जैसा दिख रहा है। वैसे हम ऐसी ही जगह रहना चाहते थे जो बिल्कुल फुट हिल्स में हो। देखिए पीछे जंगल है और जंगल के सामने गांव नज़र आ रहा है, तो इसी गांव में अगर कोई होम स्टे है तो मज़ा आ जाएगा। पास चलकर देखते हैं। जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं और भी अच्छी फीलिंग आ रही है। दोनों तरफ खेत हैं, एक तरफ खेत हैं दूसरी तरफ तो शायद मकान बने हुए हैं, बाउंड्रीज हैं। और ये हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। सामने बोर्ड नज़र आया द ग्रेट टाइगर रिजॉर्ट और उसके पीछे पहाड़ पर जंगल। वाह, चलिए चलकर देखते हैं। और ये ग्रीन वाला, ये इतना छोटा रिजॉर्ट है क्या? ना ना ना, ये साइड में बड़ा गेट नज़र आ रहा है, शायद इसके अंदर हमें जाना होगा। और इसकी पार्किंग ये है, ये तो डिसअपॉइंटिंग है, गाड़ी को हमें बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो उतरते हैं गाड़ी से और चलते हैं गेट के अंदर। अंदर आने पर तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ हमें रूम मिला है 103, तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं। ये दोनों तो पहले से ही पहुँच चुके हैं। अरे ये पहले से ही आया हुआ है हीरो। और ये यहाँ पर किंग साइज बेड, टीवी भी है बढ़िया सा। इसने जंपिंग शुरू कर दिया, बैठते हैं खराब हो जाएगा। ये कबर्ड, और यहाँ की बालकनी देखो कितनी बढ़िया है। और यहाँ से पीछे बैक में जंगल व्यू। स्विमिंग पूल अभी तैयार हो रहा है नीचे, उसमें टाइम लगेगा। ये पूरा इधर रिजॉर्ट। आम का पेड़, अभी आम का सीजन नहीं है वरना आम तो हम अपनी बालकनी से ही तोड़कर खा सकते थे। आम का पेड़ है पीछे, सारे पेड़ है। तो गाइस हम यहाँ देखिए होटल में चेक इन कर लिया है। यश तो आते ही लेट गया, इसका टीवी चल नहीं रहा, ये काफी परेशान है। अभी पासवर्ड डलवाएंगे तो चल जाएगा। और यहाँ नीचे बहुत खुली जगह है जहाँ मैं अभी अपना आउटडोर वर्कआउट करूँगा। यहाँ अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा, पीछे पूरा जंगल है। तो दिन दिन में ही वर्कआउट करना ठीक रहेगा, कहीं रात को टाइगर ही ना आ जाए। और इंडोर वर्कआउट फिर मैं शाम को, रात को 8 बजे के करीब जो भी होगा, यहाँ अंदर ही फ्री हैंड कर लेंगे। जगह तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हो सकता है कि इंडो वर्कआउट में आपके साथ लाइव शेयर ना कर सकूं क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है बस। अभी राधा चाय बना रही हैं, तो चाय राधा अपने लिए बनाएगी, मैं शहद वाली ब्लैक कॉफ़ी पी सकता हूँ, वो तो अलाउड है, और तो कुछ नहीं। यशवर्धन कह रहा है चीटिंग है, लेकिन चीटिंग नहीं है, शहद तो मैं लेता हूँ कभी कभी। और अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगा, सुबह से ड्राइव कर करके थक गया हूँ। वैसे आज ऑल्टो ने वाकई में कमाल की एवरेज दी, 32.5 की माइलेज उसने दी, बहुत बढ़िया माइलेज थी। और अभी भी उसमें इतना पेट्रोल बचा है कि हम वापस जा सकते हैं। 350 है ना, 350 की अभी रेंज दिखा रही है, 350 किलोमीटर, यानी जितना पेट्रोल बचा है उसमें 350 किलोमीटर अभी और चल सकते हैं। तो वाकई में अच्छी माइलेज दी। अभी रेस्ट करूंगा, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों शाम के 4 बजे हैं और अब मैं चलता हूँ अपने आउटडोर वर्कआउट के लिए। यशवर्धन वहीं नीचे खेल लेगा और मैं वॉक कर लूंगा।
मैं अपने वर्कआउट में बिजी हूँ और ये खेलने में लगे हुए हैं, बिल्कुल जंगल के किनारे। यशवर्धन को यहाँ कुछ कुत्ते नजर आए तो ये डर गया है। अब इसे यहाँ खेलने में डर लग रहा है तो ये यहाँ से अब दूर हटकर खेलेगा। खेलने के बाद वहीं पर इनकी ब्रेड पकौड़ा पार्टी। मेरी तो डाइट चल रही है इसलिए मैं तो कुछ खा नहीं सकूंगा। ये जंगल है और अभी सिर्फ 6:30 का टाइम हुआ है, लेकिन अंधेरा देखिए पूरा। ये है आम का पेड़ हमारे घर के बिल्कुल पास में। और ये सामने गांव, आज गांव में शादी है तो लोग मजे कर रहे हैं देखिए। और सारी रात हम सो नहीं पाएंगे, हम यहाँ आए थे शांति की तलाश में, लेकिन यहाँ भी शहरों जैसी भीड़ भाड़। राधा को असली मजे आ रहे हैं। अब अंदर चलकर अपना इवनिंग वर्कआउट कर लेते हैं। 12, 13, 14, 20। दोस्तों एक्सरसाइज के बाद अब टाइम है बुक रीडिंग का, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मेरा चश्मा तो गाड़ी में ही रह गया है। बिना चश्मे के मुझे आजकल नज़र कम आ रहा है, वैसे भी यहाँ लाइट कम है, तो गाड़ी में से चश्मा लेने चलते हैं। लेकिन बाहर पूरा अंधेरा है, डर लग रहा है कि कहीं कोई टाइगर ना आ जाए, लेपर्ड ना आ जाए। तो यशवर्धन कह रहा है मैं अभी चलूंगा, रहने दो बेटा, तो ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, बालकनी से देखूंगा। चलते हैं, देखते हैं क्या फील आता है बाहर। अरे गाड़ी की चाबी तो दो, जैकेट पहन लो बेटे। बाहर क्योंकि आज पार्टी चल रही है तो इतना वीरान तो लग नहीं रहा है, और ये यहाँ पे खड़ा है, मैं तो इसे देख कर डर ही गया। बालकनी में है ये, नहीं मुझे कोई चैलेंज नहीं चाहिए। ये जो बाहर इतनी रोशनी दिख रही है पार्टी की वजह से। हाँ क्या ना, मैं जाने लेना, ये मुझे चैलेंज दे रहा है बॉल लाने का, मैं इस चैलेंज में नहीं पड़ता। मैं चलता हूँ फटाफट नीचे। पूरा देखिए इस तरफ जंगल है, तो अभी तो मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पार्टी चल रही है ना, तो शोर है, ये ऊपर खड़ा हुआ है। चलते हैं फटाफट, गाड़ी ज्यादा दूर नहीं है हमारी, पास में ही खड़ी हुई है। ये रही, तो जल्दी से निकाल लेता हूँ। अब अगर आ भी गया तो मैं तो गाड़ी के अंदर हूँ। ये इसमें है क्या, एक बार चेक कर लूँ। यही मेरा चश्मा है, तो इसे लेकर चलते हैं फटाफट। ये हमारा बिस्तर जिसमें ये घुस के आया था। चलिए 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 जल्दी से, गेट भी पूरा सुनसान है, रिसेप्शन भी पूरा खाली है और कोई नहीं है, या तो पूरा वीरान है। जल्दी जल्दी चलते हैं। अपने रूम में घुसने के बाद ही आराम मिलेगा। वैसे इतना डर लग नहीं रहा मुझे। और ये हमारा रूम आ गया। अरे जल्दी खोल, जल्दी से लॉक कर लेते हैं।
आ गया। कोई वैसे खतरा नहीं था बाहर, पर नहीं भागा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भागा। रिसेप्शन भी पूरा खाली है, गार्ड भी नहीं है गेट पे, ना तो गेट पे गार्ड है ना रिसेप्शन पे कोई है, पूरे होटल में लगता है हम अकेले ही हैं यहाँ। और ये कौन आ गया रे, जल्दी देखता हूँ। कोई नहीं, रूम सर्विस थी, खाना आ गया है। खाने में यशवर्धन के लिए है शाही पनीर और मेरे लिए है प्लेन दाल। ये तो बहुत ज़्यादा लग रही है क्वांटिटी, इतनी क्या? थोड़ी खाऊंगा मैं दाल और पनीर, एक ही सब्जी काफ़ी होती है हमारे लिए। और रोटियाँ मेरे लिए सूखी रोटियाँ हैं, इनके लिए घी लगा होगा। प्याज तो मैं थोड़ी सी खा लूँगा। तो शुरू करते हैं, भूख भी लग रही है। ये तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहे हैं, फिर भी देखो इन्हें भूख लग रही है, इन दोनों को। और मैं तो सुबह से, आज वाकई चैलेंजिंग रहा है। चलिए शुरू करते हैं, अब आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, और कल आसपास की जगह भी अगर घूमेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय।